भीलवाड़ा शहर में दीपावली के मद्देनजर मिलावटखोरी की आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग ने 15 दिन का विशेष अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत करते हुए गांधीनगर में टीम ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर 2,280 किलो तेल और 478 किलो के पाउच सीज कर सैंपल भरे हैं। सैंपल को जांच SFL के लिए भेज दिया गया है और गणेश ट्रेडिंग नामक फैक्ट्री पर दबिश दी गई है। इस टीम ने फैक्ट्री में जांच करते हुए 15 किलो तेल के बिना ब्रांड के 152 टीन के साथ एक्सपायरी डेट के सोयाबीन तेल और 478 पाउच सीज किए हैं। टीन सहित 2,280 किलो तेल सीज किया गया है। डॉक्टर चालवा ने संभावना जताई थी कि ये तेल मिलावटी हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मूंगफली और सोयाबीन के सीज तेल के सैंपल लिए, जिनकी जांच FSL से करवाई जाएगी। अभियान 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान दुकानों, फैक्ट्रियों सहित व्यापारियों के ठिकानों पर भी जांच कर मावा, मिठाइयां, तेल, घी और मसालों की जांच कर नमूने लिए जाएंगे। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से 2 अक्टूबर का जो ये अभियान चल रहा है हमारा पखवाड़ा, जिसमें सघन अभियान चल रहा है कि एडल्ट्रेशन फूड और जो चीज़ें हैं तेल ऑयल वगैरह, इन सबको अपन एक सर्च अभियान के अंदर अपन ने आज एक कार्रवाई करी है गणेश ट्रेडिंग कंपनी पे। तो इनका जो माल है, हमने 458 केजी जो बिना तारीख और बेच नंबर के और उसमें कोई MRP भी नहीं लिखी हुई थी, वो माल बन के तैयार होकर के मार्केट में जा रहा था, हमने उसको सीज करा है। और ऐसे ही 2000 किलो लगभग मूंगफली का तेल है, 150 टिन के अंदर भरा हुआ अनरिफाइंड मूंगफली का तेल है जिस पर कोई लेबल वगैरह नहीं है, तो उसका भी हमने सैंपल लेकर